मुख्यालय पर मछुआ समाज के द्वारा हिंदू जागरण मंच के बैनर तले एक रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों के साथ रैकवार समाज माझी समाज के लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। सभी के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के बीते दिनों हुए घटनाक्रम को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही क्या कुछ मांगे रखी गई आपको सुनाते हैं। आहेद खान है, कई समय से मछुआरों के साथ बहुत अत्याचार कर रहा है। जहाँ की समिति बनी होती है और जिसका पट्टा मतलब करीब आ जाता है समाप्त होने को, तो वहाँ एक पार्टी और ठाणी कर देती है और फिर दोनों तरफी से वो पैसा मांगता है। जो ज़्यादा देगा हम उसका पट्टा करवा देंगे। तो कोई कोई मछुआरे रहते हैं कि भाई हम साहब से जाके बात करें, कहले साहब क्या करेंगे, साहब ने हमें भेजा है, साहब कोई बात नहीं करते हैं। इस तरीके से मतलब ये अत्याचार किए हुए इसका, ये ड्राइवर है, हमारी समझ से इसको ड्राइवर ही रहना चाहिए। ये ADF बनकर काम करता है सर, लोकल के 10 साल से, और लोकल से यहीं का रहने वाला है, इसको सब मालूम है। राकेश धुरिया नाम है हमारा, हम खुद भी दे हैं अपनी एक समिति में, वो हाई कोर्ट में चल रहा है ज़बरदस्ती का। हमारा पट्टा निरस्त कर दिया था मछली पालन से, जो अधिकार कलेक्टर साहब को है, मगर उनने वो अधिकार वहाँ से लेके मतलब वहाँ न करके खुद ने कर दिया। आज का जो ये विषय था मछुआरों के द्वारा, जो कि सम्माननीय प्रशासन को आवेदन दिया गया, हमारी जो समाज है वो वैधानिक जो कहा जाए कि रामकाल से ही वो समाज इस धरा पर स्थापित है। जब निषाद राज जी थे वो रामायण काल में उनका उल्लेख है, एक मिनट, उस समय से निषाद राज जी वो स्थापित थे, वहाँ वो राजा थे। निषाद आज का विषय ये था कि मछली विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस योजनाओं में मछुआरों को जो संपूर्ण लाभ है वो नहीं मिल रहा, जो इनको जो लाभ मिलना चाहिए मछुआरों के हित में जो योजनाएँ बनाई जा रही हैं बहुत सारी, वो विधिवत रूप से इनको वो लाभ नहीं मिल रहा। चूँकि ये बहुत प्राचीन काल से मछुआरों का मुख्य काम मछली पालन और सिंगाड़ी खेती है, चूँकि सिंगाड़ा खेती में आज तक प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि सिंगाड़ी खेती यदि नष्ट होती है, बर्बाद हो जाती है, बह जाती है, कीड़ा लग जाता है, तो उसके एवज में उन्हें उसे मुआवजा दिया जाए। गणेश रेगवार। इसमें मुख्य रूप से मत्स्य विभाग में एक ड्राइवर है जायद खान, उसको और उसमें इनवाती एक उनके जो अधिकारी है उनको लेकर ज्ञापन दिया गया है। अभी हमारे पास परमिशन का पेपर है, ये परमिशन हमारे लिए गाड़ाघाट की मिली हुई थी मछुआरा समाज को, उसके बाद भी इस जायद खान के कहने पे उस गरीब जो मछुआ समाज उस पर कार्रवाई करेगी, उनका जाल 3 लाख रुपए उसको गलत तरीके से जब्त किया गया। अभी ऐसा हो गया कि मछुआ समाज का प्रतिनिधि जैसे हो गया जायद खान, जो कि एक ड्राइवर है,
मूल बात यह है कि ये मूल निवासी दमोह का है, उसके बाद भी दमोह में 20 साल से पदस्थ है। सभी मछुआ समितियों से ये समय समय पर जाकर 20-20 हज़ार, किसी से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग करता है, और अगर अपन मांग उनकी पूरी नहीं करो तो ये पट्टे निरस्त कर देता है। आपने राजेश जी की बात सुनी, उनका पट्टा इसलिए निरस्त किया गया कि उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई थी और जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो इन्होंने निरस्त कर दिया। दूसरा, जब बाजार में मछुआ समाज के लोग मछली की दुकानें लगाते हैं तो ये जाके उनसे मछलियाँ लेता है कि कलेक्टर साहब ने मंगाई है, कभी मत्स्य विभाग के अधिकारी ने मंगाई है, और अगर उनको मना कर देते कि भाई साहब हमारे पास कम मछली है, आज हमारे घर का रोजी रोटी हमारी इतनी आज घर में चलेगी, तो ये क्या बोलता है कि हम आपके यहाँ पे कार्रवाई करवा के आपकी दुकान बंद करवा देंगे, फिर देख लेना तुम कि तुम कितना अपना परिवार पालते हो। अभी कल जो मछली इनने जाल पकड़ा है, हमने प्रशासन को समय दिया है कि कल शाम तक आप निर्णय लें और परसों सुबह जाकर मछुआ समाज वहाँ से जो गलत तरीके से जाल पकड़ा गया उसको स्वयं लेकर वापस स्वयं वापस लेकर आएगा।